और अब बात करते हैं नवाब मलिक बनाम समीर वांकड़े की। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक आज सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके बाद ये कयास लग रहे हैं कि आज नवाब मलिक समीर वांकड़े पर क्या नया आरोप लगाएंगे या फिर कोई नया सबूत मीडिया के सामने क्या वो पेश करेंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि एक क्रूज की रेड से शुरू हुई कहानी एक नेता और ऑफिसर की लड़ाई में बदल जाएगी। समीर वांकड़े और उसके परिवार पर नवाब मलिक ने जैसे आरोप लगाए हैं, इसका तजुर्बा ना तो समीर वांकड़े को था और ना ही परिवार वालों को। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पिछले 21 दिन में वांकड़े पर रोज नया इल्जाम लगा रहे हैं। समीर वांकड़े के पिता पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा चुके हैं। समीर वांकड़े पर उगाही और फर्जीवाड़ा का भी आरोप लगा चुके हैं। समीर वांकड़े अपने ऊपर लगे आरोपों का खुलकर जवाब दे चुके हैं, साथ ही ये खुलासा भी कर चुके हैं कि उनके घर में पुलिस के नाम पर कुछ संदिग्ध घुसे और तलाशी ली। वांकड़े परिवार को अब अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है और इसका इजहार उन्होंने SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष के सामने खुलकर किया। हर दिन सुबह 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, गलत गलत फैमिली के बारे में बातें, प्राइवेट बातें, टारगेट करना, हर जगह सर हम गए, लेकिन फिर भी ये चीज बंद नहीं हो रही सर। अभी तक हर सुबह ये चीज हो रही है, मीडिया को बुलाना, मीडिया के सामने बेइज्जती करना फैमिली की, मुझे डराने की कोशिश, मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश सर। इसके लिए सर निवेदन है कि कायदे के हिसाब से सर जो कुछ भी जो हमें पीड़ा हो रही है सर उसका निवारण करें सर। मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने डायरेक्ट जवाब दिया है। NCB के जोनल हेड वानखेड़े ने पहली बार बताया कि उनके परिवार की सिक्योरिटी पर खतरा है। ऑलरेडी पुलिस को सर इन्फॉर्म किया 25 तारीख को, सर 3 जन पुलिस बोल के आए, फिर बाद में पुलिस का अपना कुछ पहचान पत्र बताया, पुलिस थाने का नंबर दिया, घर देख के गए और फिर बाद में वापिस चले गए। तो इसने पैनिक में मुझे फिर, और सर क्या 2-3 दिन से इतना अलग अलग जगह से प्रहार हो रहा है तो ध्यान नहीं दे पाए, तो 2 दिन पहले मैं बोला नंबर दे मुझे, तो नंबर देखा तो सब अलग अलग नाम। फिर मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके कंफर्म किया ये आपके लोग थे, तो पुलिस थाने वाला इंचार्ज बोलता नहीं सर ये मेरे लोग नहीं है, तो कौन है ये लोग फिर जो घर तक ऊपर देख के गए। आपका कोई सिक्योरिटी नहीं दिया जाए? अभी एक सिर्फ मुंबई पुलिस ने सर प्रोवाइड किया सिक्योरिटी, एक गार्ड है मेरे पास में तो वो, लेकिन ऑफिस में है सर, लेकिन उस पर भी सर हमको भरोसा नहीं है। तो आज में फाइनली समीर जी ने वहाँ का CCTV निकाला है और अगर ये पता चल रहा है कि वो लोग पुलिस से आए ही नहीं थे, लेकिन वो आए थे बोलते कि हम पुलिस हैं, लेकिन वो लोग पुलिस स्टेशन से आए ही नहीं थे, इसका मतलब है वो लोग डाउटफुल लोग थे। तो हमको ये पता करना है कि ये लोग कौन है। अच्छा, उनके सारे जो नंबर आए थे वो अलग ही नाम के नंबर थे, वो नंबर का कोई भी वो पुलिस स्टेशन में है नहीं। समीर वानखेड़े के घर पर पुलिस वाला बनकर कौन आया था? क्या समीर वानखेड़े पर प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है? वानखेड़े फैमिली को टारगेट करने की कोशिश कौन कर रहा है? सर पब्लिक के सामने ऐसी भाषा यूज करना कि पूरा खानदान बोगस है। सर मैं दलित समाज से आता हूँ, यानी वो क्या बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं? बोगस का मतलब क्या है सर? तो ये मेरे बेइज्जत करने की कोशिश, मेरा यूनिफॉर्म छीन लेंगे, मेरे को सर्विस से निकालेंगे क्या? मुझे राष्ट्रपति ने अपनी मेहनत पे सर मैं आया हूँ और मैंने राष्ट्रपति ने सर मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते सर हमको, तो मेरे अगर मैंने गलत किया तो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया न्याय करे ये चीज में सर, और आप न्याय करें। नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर वानखेड़े फैमिली की एक और फोटो शेयर की। नवाब मलिक ने सवाल पूछा कि फोटो में दिख रहा शख्स कौन है, इसका समीर वानखेड़े और दाऊद वानखेड़े से क्या रिश्ता है? पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वानखेड़े फैमिली की तस्वीरों पर समीर वानखेड़े का फर्स्ट रिएक्शन सुनिए। 3 साल के बच्चों का अपने ऑफिशियल साइट पर बच्चों का फोटो डिक्लेयर कर, यानी ये इतना उच्च स्तरीय होने के बाद, इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद ये समझ में नहीं आता सर। हम उनका फोटो किधर भी नहीं डालते क्योंकि पता है इनको हमेशा सिक्योरिटी का सर बच्चों का भी इशू रहता है, लेकिन उन बच्चों का फोटो भी ओपन कर दिया 3 साल के छोटे बच्चे का, सर किसको छोड़ा नहीं है सर, बहन के फोटो, बच्चों के फोटो, पिताजी के फोटो, वाइफ, किसको भी छोड़ा नहीं है सर हर जगह, और वो भी ऑफिशियल साइट से अपने पब्लिसाइज करना बिना किसके परमिशन के। क्या कोई जुर्म किया है, कोई क्रिमिनल है, क्या कर रहे हैं? ड्रग्स ही साफ कर रहे हैं सर, देश सेवा कर रहे हैं, उसके लिए ये क्राइम नहीं है सर। SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर आज समीर वानखेड़े के घर पहुंचे। इस मीटिंग की वजह है नवाब मलिक के गंभीर आरोप। मंत्री जी ने दावा किया कि समीर वानखेड़े जन्म से मुस्लिम है, इसलिए आयोग को पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कल अरुण हल्दर जी ने
मीडिया से संबोधन करते समय ये कहा कि समीर वानखेड़े ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमें लगता है हल्दर जी, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उसकी गरिमा रखिए। आयोग की कार्य प्रणाली है, कोई चिट्ठी कोई दे तो उसको कहीं ना कहीं जांच करना जरूरी हो जाता है। प्रक्रिया पूरी करके लोगों को सम्मन किया जा सकता है, मुझे उन्हें सिविल कोर्ट के राइट है, वो लोगों को बुलाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके पार्लियामेंट में रख सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं कि ये आप सरकार करे। कंप्लेंट मिल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, आपको एक पद पे बिठाया गया, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप सारी जांच शुरू करते, लेकिन मीडिया में आके सीधे आपने कह दिया कि वानखेड़े परिवार ने कभी धर्म परिवर्तन किया ही नहीं। समीर वानखेड़े ने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम मानते हैं, क्योंकि जन्म से वो मुसलमान है। हम महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री को कंप्लेंट करेंगे, स्क्रूटनी कमेटी को लिखेंगे, और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग इस कंप्लेंट को आगे ले जा रहे हैं। पुलिस में कंप्लेंट हो रही है, मैं अपने बात पे कायम हूँ कि वे SC के सर्टिफिकेट पे फर्जीवाड़ा करके उस पद पे बैठे हैं। समीर वानखेड़े की पत्नी के मुताबिक अरुण हल्दर खुद उनके घर आए, उन्हें वानखेड़े परिवार ने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाए। अब आयोग की जांच में सच्चाई सामने आएगी। वानखेड़े परिवार से मिलने के बाद अरुण हल्दर का ऐलान सुनिए। उनका कहना है कि सबसे पहले उनकी जांच होगी जो समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं। यही की जरूरत नहीं थी, तब भी उन्होंने कास्ट का इशू बनाया, जब तक कोई था ही नहीं इशू, और आज वो सारे ओरिजिनल पेपर्स साहब ने देखे हुए हैं, उनको भी यकीन हो चुका है। अब जांच बैठेगी, ज़रूर बैठेगी, लेकिन उनकी भी ज़रूर जांच बैठेगी जो ये आरोप लगा रहे हैं, और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो भी कच्चा चिट्ठा, जो भी गलत हो रहा है, वो सब बाहर आ जाएगा। इंटेंशन पर सवाल उठ रहे हैं। अब अरुण हल्दर जी बोल रहे हैं कि इसके पीछे कोई एजेंडा हो सकता है क्या? रोज़ आखिर क्यों नवाब मलिक इस तरह की बातें कहते हैं? जी, उसी की जांच अभी होने वाली है, और वो अच्छा हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि उनके इंटेंशंस क्या है वो पता चल जाएगा। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक रोज कोई ना कोई सवाल उठाते हैं, कभी कोई सर्टिफिकेट की बात होती, कभी उनके परिवार की बात होती, निजी बातें होती, उसको लेकर भी कोई बातें कही है समीर वानखेड़े ने? नहीं, उन्होंने लिखित रूप से मेरे को दिया है, उनको उन पर मैंने पढ़ने के बाद तो लगा है कि सारे जो कंप्लेन मंत्री का ऊपर में, उन्हें मंत्री उनको पर्सनली अटैक कर रहे। मैं एक बात कहने चाहता हूँ, जो अभी मंत्री जी का क्या है, उनका एक पर्सनल एजेंडा को एस्टैब्लिश करने के लिए आपने अपना पद का गरिमा को ख़त्म कर रहा है, एक गवर्नमेंट को बदनाम कर रहा है, और खुद को बदनाम कर रहा है, और उनका अपना दल को भी बदनाम कर रहा है। एक लोग इतना बड़ा रैकेट चक्र को, ड्रग चक्र को पकड़ने जा रहा है, और उसको खिलाफ में आप लोग ऐसा क्यों बोल रहा है? आपको तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, एक गवर्नमेंट का मंत्री होने के नाते आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। जिस आधिकारिक अपना कर्तव्य, आपका नैतिक दायित्व पालन कर रहा है, और आपने उनको ऊपर उंगली उठा रहे, इसका एजेंडा क्या है, इसका भी जांच होना चाहिए। अभी आपका विवेक, आपका धर्म से प्रश्न करो, आपका मन में प्रश्न करो, जो क्यों मैंने ऐसा बात उठा रहा है, इसका जवाब तो पहले मीडिया को दो, जब क्यों कर रहे हैं ऐसा। जो सर्टिफिकेट उन्होंने जमा दिया है, एक अधिकारी, उच्च पदस्थ अधिकारी अपना नौकरी खुआने का बाजी रख के कमीशन का पास गलत सर्टिफिकेट नहीं देख सकता है, ये मेरा अनुभव है। पूरा मामला समझिए। समीर वानखेड़े की जाति पर नवाब मलिक ने जो सवाल उठाए थे, उसे SC/ST आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने महाराष्ट्र सरकार, DGP महाराष्ट्र, केंद्रीय गृह मंत्रालय को पहले ही नोटिस जारी किया है, और समीर वानखेड़े के जाति विवाद मामले में एक नया मोड़ आ गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।